हाय देयर, सोलगी हेयर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में एक स्लाइम फार्म बनाया था जो हमें आगे प्रोग्रेस में बहुत मदद देगा। इस साइड पे कहीं करके बनाया, यहाँ से तो नज़र नहीं आता लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब सारी उम्र मुझे स्लाइम को मारने की या स्लाइम ढूंढने की जरूरत मिलेगी। उसने मुझे तकरीबन 4000 प्लस स्लाइम बॉल दी है। तो अब मैंने सोचा कि हम इलाइट्रा का भी यूज़ करें। यार इलाइट्रा हम बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे। इलाइट्रा यहाँ पड़ा है, कहाँ गया? यहाँ पे कहीं पड़ा था, ये पड़ा है। इस पर यार अनब्रेकिंग 3 और मैंडिंग लगानी है मुझे। मैंडिंग मेरे पास होगी, मुझे अनब्रेकिंग 3 खरीदनी पड़ेगी। एक मैंडिंग आ गई और अनब्रेकिंग 3 इससे लेनी पड़ेगी। ये कितने की दे रहा है? 44 की दे रहा था आई थिंक। हाँ, एक बुक और 44। इस पर हम मैंडिंग और अनब्रेकिंग 3 लगा लेंगे, उसके बाद हमें उड़ने की दिक्कत होगी सिर्फ। 44 काफ़ी, एक बुक ले लेते हैं यहाँ से। बुक पड़ी है, उन्हीं तो चाहिए यार। इसकी बुक ही नहीं है इसके पास। बुक दे, सिंपली इसे यहाँ रखना है और तोड़ देना, मेरे 3 बुक्स मिल जाएंगी। अब उसे अनब्रेकिंग 3 लगा लेके इस पे लगाते हैं। और मेरा कहने का मकसद ये है भाई, यार पहले मैं ये लगा लूँ, पहले ये रखना है और फिर ये रखना है। 2 की कोस्ट आ जाएगी और फिर ये रख के ये रख लेना है 4 की कोस्ट। ओके, तो डायरेक्टली भी पहन सकते हैं। ठीक है, आज मैं फिलहाल इसे यहाँ रख देता हूँ क्योंकि हमारे पास उड़ने के लिए रॉकेट वगैरह तो है नहीं। और आज मेरा मकसद यही है कि हम रॉकेट का बंदोबस्त करें, यानी कि रॉकेट बनाने की रेसिपी देखते हैं पहले। ROCK। ओके, तो आ गए रॉकेट। ओके, तो इसके लिए पेपर और शुगर केन कह रहा हूँ, गन पाउडर चाहिए इसके लिए। यानी कि अगर हमें अनलिमिटेड ये रॉकेट्स चाहिए तो हमें अनलिमिटेड ही ये सब बनाना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों के फार्म्स बनाने पड़ सकते हैं हमें। तो आज मेरा मकसद यही है भी, आज हम क्यों ना गन पाउडर का फार्म बनाए, वो भी ह्यूज टाइप करके, बड़ा सारा करके, जो ऐसा हमें गन पाउडर दे के दोबारा कभी हमें क्रीपर या घास को मारने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि घास भी गन पाउडर देती है। और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि हम पेपर फार्म बनाएं, यानी कि शुगर केन फार्म, वो भी ह्यूज टाइप का बनाएंगे। तो रिसोर्स इकट्ठे करते हैं। मैंने पहले ना 2 शल्कर बॉक्स बनाने हैं, ये खाली है और 2 मुझे और चाहिए। शल्कर शेल मेरे पास पड़े हैं। शल्कर शेल कहाँ गए यार? यहीं पे तो थे शल्कर शेल, ये रहे। हाँ, 22 पड़े हैं। एक पे 2 लगते हैं, यानी कि हमें 4 चाहिए। तो यार मुझे एक भाई का कमेंट आया था कि हम शल्कर शेल पे वो भी कर सकते हैं, डाई लगा के ना वो क्या कर सकते हैं, बुक्स पड़ी हैं यार यहाँ पे, डाई लगा के इनका कलर चेंज कर सकते हैं। आज वो भी करते हैं यार। पहले तो यहाँ से मुझे चेस्ट लेनी है, 2 पड़ी हैं चेस्टें। ठीक है, 2 बन जाएंगे शल्कर बॉक्सेस। ये 2 शल्कर बॉक्स, अब इन तीनों के मुख्तलिफ कलर करने हैं मुझे। डाई पड़ी है यहाँ पे? डाई यहाँ पे कोई डाई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है। बाहर एक रेड डाई लेते हैं और एक पीली ले लेते हैं मेरा ख्याल से, और देख लेते हैं कौन कौन सी मिलती है हमें। एक लेंगे यहाँ से रेड डाई, एक ले लेते हैं पिंक डाई, बल्कि सारी रख लेता हूँ, हो सकता है इनका कलर वगैरह चेंज भी होता हो, ये सब भी रख लेते हैं। और ढूंढनी पड़ेंगी यार, डाइयाँ पड़ी थी मेरे पास बहुत सारी। ये पर्पल डाई कहाँ से आई थी मेरे पास? ओके, तो ब्लू भी पड़ी है, एक ब्लू बना लेंगे यार। अब पहले डाइयाँ बनाई जाए, पहले ब्लू बन जाएगी। ओके, तो पर्पल बनती है ब्लू और रेड को मिला के, लेकिन हमें नहीं मिलानी यार। अब अगर मैं इसे रख के इसे रखूँ। ओके, तो हाँ ठीक है, एक ब्लू बन गया, एक पिंक बन गया और एक रेड बन गया। ठीक है, तो मुख्तलिफ कलर मैंने कर दिए इस पर। ओके, तो अब हमें इनमें सामान इकट्ठा करना है। पहले तो मैं ब्लू में जाके पत्थर ले आऊँ जो मुझे बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए, अपने फार्म में बहुत सारे पड़े हैं। ओके, तो इस शल्कर बॉक्स को रखते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ से लेते हैं स्टोन और इसे भर देते हैं। स्टोन की कमी नहीं है हमारे पास, बाकी स्टोन यहीं पर रख देते हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि स्टोन मुझे कम पड़ेगा। ओके, तो इस शल्कर बॉक्स को लगाते हैं यहां पर। इसके बाद हमें बनाने हैं ट्रैप डोर्स। ट्रैप डोर्स की झंझट नहीं है क्योंकि मैंने वुड इकट्ठी कर रखी है। यहां से पहले थोड़ी सी उठा लेते हैं,
मुझे ऑलमोस्ट 13 स्टैक यानी कि 14 स्टैक्स मुझे ट्रैप डोर चाहिए। पहले तो हमें वुड बनानी पड़ेगी, वुड वुड। यार इसके ट्रैप डोर्स बड़े गंदे बन रहे हैं। चलो जैसे बनते हैं बना ही लेते हैं। सारे पहले प्लैंक बनाने पड़ेंगे इसके सारे के सारे। ओके तो मैंने बना तो लिए हैं लेकिन अभी भी थोड़े से कम पड़ रहे हैं। यहाँ से लकड़ी लेते हैं। लकड़ी कहाँ यार, मुझे ये स्टैक पूरा करना है अपना। ओके तो अब फाइनली ट्रैप डोर्स मेरे पास पूरे हो चुके हैं। इस ट्रैप डोर्स को रखते हैं यहाँ पर। अब मेरे पास पूरे अब स्लैब्स चाहिए। स्लैब के मुझे तकरीबन एक स्टैक चाहिए। यार स्लैब भी मुझे लेने पड़ेंगे। स्टोन ब्रिक्स के ही जाता हूँ मैं। स्टोन ब्रिक्स जितनी पड़ी इकट्ठी कर लेते हैं। ये भी है और ये स्टोन ब्रिक्स, ये भी है। ये तो स्टेयर्स पड़ी हैं और इसको यहाँ मार के ना इसके बना लेते हैं स्टोन ब्रिक्स के स्लैब। इसे रखते हैं और स्टोन ब्रिक्स के स्लैब। ओके तभी कम पड़ रहे हैं और स्टोन लाना पड़ेगा मुझे। तकरीबन मुझे दो स्टैक चाहिए स्लैब। यहाँ से एक स्टैक ले लेते हैं और इसको बना लेते हैं स्लैब में। पहले बनाएंगे इसके स्टोन ब्रिक्स और फिर बना लेते हैं इसके स्लैब्स। मेरे ख्याल से इतने काफ़ी रहेंगे। चलते हैं इन स्लैब्स को रखाते हैं यहाँ पर। ये जो हाथ में स्टोन ब्रिक है यार, ये ना सारे मुझे कन्वर्ट कर लेने चाहिए स्टोन में ना। मैं फटाफट करता हूँ। ओके तो मैंने स्टोन ब्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। इन्हें रखते हैं यहाँ पर। मेरे पास कितने हैं, 9। एक लाइन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9327 मेरे पास स्टैक्स हैं लेकिन मुझे लगता है कि कम पड़ेंगे, ले जाएंगे बाद में आके। तो ये भी है पड़ा और ये जो स्टोन ब्रिक है ये यहाँ रखा देते हैं। उसके बाद हमें बटन्स चाहिए यार। बटन्स यार आम लकड़ी के बना लेते हैं। 16 यही मिल जाए ना ये मेरे हाथ में। चलो इसके ही बना लेते हैं। बटन बनाने की रेसिपी यार मुश्किल थोड़ी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यार एक्स्ट्रा बना ही लेते हैं जितने चाहिए हमें। इन बटन को रखाते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमें फैंस चाहिए। फैंस भी इसी लकड़ी के बना लूँगा मैं। ज़्यादा फैंस नहीं चाहिए मुझे, थोड़े से ही चाहिए। ओके तो अब आएंगे फेंसेस। 48 बन गया, काफ़ी हैं ये। मैं आपको बता दूं मैं ये जो बना रहा हूं ना ये सारा सामान ये सिर्फ एक लेयर के लिए है। मैंने बनानी है 4-5 लेयर्स। पहले मैं सो लूं यार, बाकी का सामान बाद में इकट्ठा करेंगे। ओके तो गुड मॉर्निंग, काम शुरू किया जाए। तो अब हमें चाहिए कुछ चेस्टेस यानी कि चेस्ट। यार बनानी पड़ेंगे चेस्टें। मुझे 12 होपर और 12 चेस्टें चाहिए यानी कि 24 मुझे चेस्टें बनानी पड़ेंगी। 20 हो गई, 4 चेस्टें और बनानी पड़ेंगी। इसकी बनेंगी 4, 3 बन रही हैं। थोड़ी सी लकड़ी और चाहिए, थोड़ी सी। 1, 2, 3, 4 ओह ज़्यादा ही बन गई हैं चेस्टें। ओके तो अब आयरन लाना पड़ेगा। नीचे आयरन पड़ा होगा हमारे पास। यार मैं वुड जो मेरे पास है ना ये मैं सारी रखा दूँ यानी कि रख दूँ। यहाँ से आयरन लेते हैं। ओके तो आयरन भी भर भर के आया पड़ा है। अब मुझे यहाँ से 12 ऊपर बनाने हैं। 27 बन रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि 12 चेस्टें होंगी तो 12 ही ऊपर चाहिए होंगे, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। बाकी सब यहाँ रख देते हैं यार। इसे ना यहाँ इस तरह रखते हैं चलो, ताकि जो पॉपी होती है ना पूरी भर जाती है, फिर आयरन नहीं आता। इन होपर्स को रखना है यहाँ पर। चेस्टें रखनी है यहाँ। बटन भी हो गए, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए फेंस गेट्स। कुछ फेंस गेट चाहिए यार। ये वाले नहीं चाहिए मुझे, चाहिए ओरिजिनल उसी लकड़ी के जिसका मैं सारा फर्नीचर बना रहा हूँ ना। स्टिक्स मेरे पास पड़ी हैं। फेंस गेट्स कितने बनते हैं, ये तो बहुत थोड़े बन रहे हैं यार। स्टिक्स दो,
ओके तो मेरा ख्याल से इतने काफी रह जाएंगे। 26 ये कम है यार, कम है कम है। हाँ इतने काफी रह जाएंगे हमारे लिए। ये फेंस गेट रखने हैं यहाँ पर, उसके बाद हमें एक उसके बाद एक वाटर बकेट यहाँ पर रखनी है, और एक रखना है बेड। बेड हमारे पास बहुत सारे पड़े थे यार, ये रे बेड आ जाएगा यहाँ पर। और पंपकिंस, पंपकिंस की तो मैंने खेती कर रखी है यहाँ पे, वो बड़ी खेती। और यहाँ मैंने कुछ बनाकर भी रखे हैं यार, कहाँ गए ये रे। लेकिन मुझे कार्ड पंपकिन चाहिए, तो फटाफट इन्हें कार्व करते हैं। मैं यहाँ से वो उठा लूँ अपना शेयर्स, शेयर्स भी बहुत सारे हैं मेरे पास, फटाफट कार्व करते हैं इन्हें। ओके तो ये सब कार्ड पंपकिन भी यहाँ रख देते हैं, मेरे पास बहुत सारे पंपकिन सीड हो गए हैं यार। पंपकिन सीड्स मैं यहाँ पे रख देता हूँ यहाँ। ओ यार टॉर्चेज नहीं दिखानी, जगह ही नहीं बची यहाँ क्या यार। ओके तो मुझे नहीं लगता कि यार कार्ड पंपकिन इतने काफ़ी रहेंगे। एक मिनट, मैंने हाँ काफ़ी हैं इतने, मुझे इतने काफ़ी रह जाएंगे। एक पंपकिन पड़ा है, इसे रखते हैं यहाँ, इसे भी कार्व करते हैं और इसे भी बीच में रख देते हैं। तो हमारे पास ऑलमोस्ट एक स्टैक और 32 हो जाएंगे। उसके बाद हमें स्नो ब्लॉक्स चाहिए, हमारे पास बहुत सारी स्नो पड़ी थी यार, स्नो ब्लॉक्स थे मेरे पास, ये पड़े हैं काफ़ी हैं यार इतने। हाँ मेरे ख्याल से काफ़ी रहेंगे इतने। इसे रखना है यहाँ, जगह नहीं है। पहले ये कार्ड मुमकिन और ये सब ना यहाँ इस बॉक्स में रखते हैं। गोलम का सामान एक ही में रखेंगे ना। उसके बाद हमें कुछ टॉर्चेस चाहिए। टॉर्चेस यार मेरे हाथ में थी अभी, कहाँ गई टॉर्चेस? मेरे पास थी यार, मैंने कहाँ रख दी, ये पड़ी है। हाँ मुझे टॉर्चेस चाहिए अभी, कोई मॉब्स फोन ना, टॉर्च मैं इसमें रख देता हूँ क्योंकि इसमें जगह खाली है काफी। उसके बाद मुझे एक पिस्टन और एक लीवर चाहिए, मेरे पास पड़े थे यार पिस्टन वगैरह, बहुत सारी फालतू चीजें पड़ी हैं हमारे पास। पिस्टन सीखी, पिस्टन पड़ा है, पिस्टन भी पड़ा ही होगा। ओके तो पिस्टन हमें बनाना पड़ेगा, पिस्टन एक लीवर भी बना ही लेते हैं। लीवर की रेसिपी यार नहीं आ रही, मुझे स्टिक्स चाहिए। लीवर, एक लीवर बस, इस सब को रखते हैं इसमें। और यार ये नहीं रखना, ये रखना है। बाकी सारा सामान फालतू मैं यहाँ रख देता हूँ इस चेस्ट में। लकड़ी वगैरह, आयरन भी मुझे नहीं चाहिए, स्टिक्स भी नहीं चाहिए। उसके बाद मुझे कुछ टेम्परेरी ब्लॉक्स चाहिए, मेरे पास बहुत सारी डर्ट पड़ी थी यहाँ पे। डायरेक्ट मैं वहां से ले आता हूँ, मैंने यार कुछ दिखाना भी है आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसको बहुत बड़ा किंगडम बनाने वाला, तो इसलिए मैं जगह फ्री कर रहा हूँ यहाँ से। मैंने बहुत सारी जगह फ्री की भी है, जो उसकी डर्ट वगैरह निकली है वो मैंने इन चेस्ट वगैरह में रखी है। इसमें है बहुत सारी ये डर्ट, और इसमें है ये फालतू सामान, या स्टोन इसमें भी पड़ा, ले लेता हूँ काम आएगा। और यहाँ से कुछ दो स्टैक डर्ट ग्रास ब्लॉक के ले लेते हैं, या डर्ट सही है। और मैंने यार कुछ और दिखाना है, मेरे पास ना वो आए थे पिलीजर्स मुझे मारने, तो मैंने कहा रेड ना ही कराऊं तो बेहतर है। तो उनका जो मैंने झंडे वाला लीडर था उसे यहाँ पे कैद करके रखा हुआ, उसने मुझे बहुत मारा यार, उसे भी बहुत डैमेज हुआ है। और ये फ्रॉस्ट वॉकर, और उसने मुझे बहुत डैमेज दिया, इसलिए मैं उसके पास जाऊँगा तो वो मर जाएगा। तो उसे तभी मारेंगे जब हमें रेड कराने की ज़रूरत होगी। तो फिलहाल तो मैं उसे नहीं मारा, उसे मैंने संभाल के रखा हुआ है बोट में कैदी बनाकर। तो अपना जो सामान है उसे यहाँ पे पहले स्टोन को कन्वर्ट करते हैं उसमें, स्टोन ब्रिक्स में। और इसको इसमें तो अब जगह है नहीं हमारे पास ब्लू वाले में, तो हमें रेड वाले में रखाना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा। यानी कि मैं रखाना कह देता हूँ, करना तो मैंने खुद ही है। ओके तो अब दो स्टैक टेम्परेरी ब्लॉक्स। ओके तो हमने जो सामान इकट्ठा करना था वो कर लिया, लेकिन अब मेरे जो टूल्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं। मैं ज़रा अपने शवल को भी रिपेयर कर लूँ, इसी बहाने आपको एपिक
एक्सपी फार्म भी देखने को मिल जाएगा। फटाफट यार इसे करते हैं रिपेयर, करना कुछ नहीं, यहाँ पे आना है और यहाँ से स्टिंग लेना है और टन 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 करनी है यहाँ से। एक मिनट का खेल भी नहीं है, तीन चार से ही ट्रेड करता हूँ और ये मेरी चीज को रिपेयर कर देते हैं। ओके तो शवल हो चुकी है, अब एक्स कर, एक्स की बारी है, एक्स भी हो गया, पिकैक्स की बारी है। बाकी सारा सामान जो बचा है उसे रखते हैं यहाँ पर ऊपर, एमलेट्स के ब्लॉक बनाकर यहाँ पर रख देते हैं, 16 बन रहे हैं। और यार एक और चीज़ भी लेनी है, हमें कैंप फायर चाहिए होगी। और यार मुझे पता चला है कि सोल कैंप फायर का ना असर ज़्यादा होता है, तो सोल की रेसिपी देखते हैं सोल कैंप फायर की, पहले सो के सुबह कर लेते हैं। ओके तो गुड मॉर्निंग, अब सोल कैंप फायर की मुझे पहले रेसिपी देखनी है। इसके लिए हमें सोल सैंड चाहिए, सोल सैंड इतनी तो मेरे पास पड़ी ही होगी, मुझे 9 चाहिए सिर्फ, 9 सोल कैंप फायर पड़ी हैं। ओके तो पड़ी हैं यार, स्टिक्स भी बहुत सारी हैं, स्टिक्स और ले लेते हैं यहाँ से, और वुड चाहिए। अब मुझे 9 सोल कैंप फायर चाहिए हैं। रेसिपी ऐसी थी ना, ओके तो मुझे मेरे ख्याल से लॉग्स चाहिए। हाँ अब आएगी रेसिपी इसकी, 13 बन रही, मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे 9 चाहिए सिर्फ, ज़्यादा नहीं चाहिए। बाकी सारा सामान यहीं पे रख देते हैं, ये यहाँ जाएगी, और यार ये सारा सामान ना यहीं पे रख देते हैं, सोल सैंड यहाँ रख देता हूँ, और यार यहाँ नहीं आई जगह, जगह है यहाँ पर। ओके तो सामान इकट्ठा हो चुका है, अब चलते हैं यार सामान मतलब फार्म बनाने। ये फार्म भी डी पोशन में बनेगा, तो मेरा इरादा यही है कि हम अपने स्लाइम फार्म के स्लाइम, हाँ उसके स्लाइम फार्म के साथ ही बनाएं, थोड़ा सा फासले पे बना देंगे स्लाइम फार्म हमारा इस साइड पे, पोर्टल की जगह पोर्टल के साइड पे भी हम जा सकते हैं, यानी कि पोर्टल की मदद से भी जा सकते हैं। बोट पड़ी, बोट से चल जाऊँ, लेकिन यार बोट से चला गया तो फिर ये फ्रॉस्ट वॉकर का क्या फ़ायदा, मज़े से मैं पानी पे चल सकूँ, लेकिन अगर मैं छलांग मारूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊँगा। थोड़ा सा ही आ गया मेरा वो जो है ना स्लाइम फार्म, उसकी अभी एएफ के स्पॉट में नज़र आ जाएगा यहाँ से, वहाँ पे हमारा पोर्टल है, वहाँ कहीं पता नहीं नज़र नहीं आ रहा, डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा रेंडर। ओके तो वो पोर्टल है हमारा, ये यहाँ से आ रहा है नज़र वो रहा, और यहाँ से हमारा एएफ के स्पॉट नहीं नज़र आ रहा, पहले वहीं चलते हैं यार, पैदल चल के जाऊँगा मैं तो, मेरे पास ये है पड़ी यार फ्रॉस्ट वॉकर। ओके तो ये रहा हमारा एएफके स्पॉट, यार ये लाइन ख़त्म करके यहाँ पानी लगाना था, मैं लगा नहीं पाया, ओए हो पानी में नहीं गिरना, चल 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 यार। ये लैंड देखने में बहुत पास लग रही लेकिन बहुत दूर है, तो मैं यहाँ बना सकता हूँ अपना ये जो फार्म है ना, ये यहाँ बना सकते हैं हम सिंपली। अब मुझे यार पहले शल्कर बॉक्स रखना पड़ेगा नीचे, मेरा फालतू सामान वाला ये रहा, फालतू तो नहीं है खैर। अब मुझे एक ब्लॉक चाहिए यार, नीचे से ही लाना पड़ेगा, इसको वाटर लेवल तक लेके जाना है। ओके तो इसकी जगह अब हमें लगानी है यार, पहले ना मैं कह रहा हूँ शल्कर बॉक्स की जगह बना लूँ, वो शल्कर बॉक्स की जगह तो बनी गई है, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, और ये वाला आ जाएगा यहाँ, इसमें से लेनी है स्टोन ब्रिक्स। ओके तो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स लिए थे उन्हें लगाना है कुछ इस तरह के, एक यार ये सोल्स ये जो है ना फ्रॉस्ट वॉकर मुझे बड़ा तंग करेगी, मैं ब्लॉक भी नहीं लगा पाऊँगा, एक दो
तीन, और मुझे बनाना है यार इस तरह चार कर लेता हूँ। हाँ चार, एक दो तीन चार, और उसके बाद एक दो, एक दो और ये तीन, यानी कि हमें थ्री बाय फोर का एक प्लेटफॉर्म बनाना है जिस तरह मर्जी बनाएं। तो मैंने इस तरह थ्री कर दिया और इस तरह फोर कर दिया। अब चाहिए मुझे चेस्टें, ओके, तो मैं यहाँ से इजीली एक्सेस कर पा रहा हूँ। चेस्टें और होपर चाहिए, और चेस्ट लगानी है मुझे, एक चेस्ट लगानी है यहाँ पर, एक लगानी है यहाँ, और एक लगानी है यहाँ पर। इन्हें मिक्स कर देना है, और होपर्स लगाने हैं पीछे से, एक कोई लग जा, ऐसे नहीं लगेगा, एक दो दो तीन। अब इनके ऊपर फिर से मुझे चेस्टें लगानी है, एक यहाँ पर आएगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक इसके बीच में आ जाएगी, एक इसके बीच में आ जाएगी, और एक इसके साथ आ जाएगी। और अब मुझे जो नौ होपर्स बने वो, यानी कि जो अब मेरे पास, यार अब जो मेरे पास नौ होपर्स बचे हैं उन्हें यहाँ थ्री बाय थ्री का एक प्लेटफॉर्म बना देना होपर्स का, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। उसके बाद लेने हैं अपने अपने टेम्परेरी ब्लॉक्स, और यहाँ पर दो टेम्परेरी ब्लॉक्स लगाने हैं इस तरह, यार ऐसे, और फिर हमें लगाना है, और फिर इसके चारों तरफ आउटलाइन कर देनी है स्टोन ब्रिक्स से, यानी कि होपर्स के चारों तरफ ऐसे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ओके। तो अभी इसे यहाँ से मिक्स कर देना है, यानी कि होपर्स हमारे नज़र आएंगे, क्योंकि कलेक्टिंग एरिया हमारा होपर्स होंगे तो उसमें नज़र आने चाहिए। तो अब इसे हमें एक्सटेंड करना है दो दो ब्लॉक्स, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। याद रहे कि कॉर्नर्स को एक्सटेंड नहीं करना, हमें सिर्फ इसको करना है यहाँ से, यानी कि जो हमने आउटलाइन की थी सिर्फ उसे एक्सटेंड करना है, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, जो आउटलाइन की थी सिर्फ वहीं से एक्सटेंड करना है, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। अब एक दो दो, यार दो दो, एक दो, एक दो, बस हाँ, ओके। अब हमें यहाँ पर लगाना है टेम्परेरी ब्लॉक, और इसकी आउटलाइन इस तरह कर देनी है हमें, फटाफट करते हैं। ओके, तो डन 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 डन। उसके बाद हमें जाना पड़ेगा नीचे, यार शल्कर बॉक्स कहाँ है मेरे, शल्कर बॉक्स उस साइड पर पड़े, मुझे ये वाला ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा, ये वाला भी, ये वाला भी। यहाँ से मुझे वाटर बकेट भी लेनी है, और फेंस गेट भी लेने हैं, वाटर बकेट आ गई, ओके। तो फिलहाल तो हमें ये सब चाहिए, वाटर बकेट शायद दो चाहिए होंगी मुझे, मेरे पास एक ही है यार, ऊपर इन्फानाइट बना लेंगे, ऊपर इन्फानाइट सोर्स। अब ऊपर कैसे जाएं यार, एक तो ये बड़ा झमेला सा है, टेम्परेरी ब्लॉक अपने हाथ में रखते हैं, ये टेम्परेरी नहीं है ये, ओके। तो अब यहाँ पर लगाना है एक ब्लॉक, उसके आगे लगा देना है मैं फेंस गेट, यार ये ना हाथ में पकड़ लेता हूँ, एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन, तो हो गया बस ये तीन। हमें सिर्फ सेंटर वाला छोड़ देना है, क्योंकि सेंटर वाले तक पानी पहुँचेगा ही नहीं, और फिर हमें यहाँ पर एक यार इन्फानाइट सोर्स बना लेते हैं, ओके। तो उसके बाद हमें यहाँ पर एक इन्फानाइट सोर्स बना लेना है वाटर का, मैं ज़रा यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाने वाला हूँ, ऐसे एक पानी डालूंगा मैं यहाँ पर, और दूसरा डालना पड़ेगा मुझे नीचे से ला कर, फटाफट ऊपर चल, नीचे ड्रोन ना पड़े, यार इनको खोल देते हैं, हाँ इनको खोलना ही है वैसे भी हमें, और इधर आएगा ये, और इसको हटा देना है। अब वाटर बकेट से इन्फिनाइट सोर्स बन जाएगा हमारा, और
हमें हर नुक्कड़ में एक पानी डालना है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर नुक्कड़ में, यानी कि फ्लो में इसका सेंटर में लाना है। ओके, तो फाइनली सारे पानी डालकर मैंने इसका फ्लो बना दिया। अब ये जो इनफाइनाइट सोर्स है इसको तो पहले ख़त्म करें यार, एक वाटर ले लेना चाहिए था। चलो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी वो रख ही लूँ अपने पास, यानी कि शेल्टर बॉक्सेस अपने हाथ में रख लूँ। यार यहाँ बेड लाया तो था, मैं सो लेता हूँ पहले। बेड लाया था मैं यहाँ पर, सो लेता हूँ यहाँ पर इस तरह। बेड को तोड़ लेते हैं, बेड चाहिए होगा हमें, और ये सब ना तोड़ देते हैं। नीचे गिर गए यार, अब इकट्ठे करने पड़ेंगे। आ जा इधर, आ जा आ जा। अब ऊपर जाना है और मैं फटाफट ऊपर जा रहा हूँ यार, क्योंकि मेरा नीचे काम ही नहीं है कोई। टेम्पररी ब्लॉक्स बाद में हटा देंगे यार, बाद में नहीं हटाए जाते। नीचे से तो हटा ही लेंगे। और हमें अपना ब्लू वाला सर्कल बॉक्स रखना है यहाँ पर, और इससे लेनी है हमें स्टोन ब्रिक्स, इसे तोड़ लेना है। और अब इस वॉल को दो ब्लॉक और ऊपर लेके जाना है, एक दो। ओके, तो हो चुका है इतना। और अब हमें इसकी ना आउटलाइन करनी है, यहाँ पर एक लगाना पड़ेगा और एक यहाँ, यानी ये यहाँ में लगाना पड़ेगा ये, यानी कि हॉपर्स की आउटलाइन फिर से हमें एक दफ़ा करनी है। यहाँ पर आने दे, और इसे यहाँ से इस तरह जोड़ देना है, इस टेम्पररी ब्लॉक को हटा देना है। उसके बाद हमें लेने हैं अपने स्लैब्स, कहाँ पड़े हैं यार स्लैब्स, इसमें थे स्लैब्स जिसमें हमने ट्रैप डोर्स रखे हैं ना, स्लैब्स लेने हैं यहाँ से, और इन स्लैब्स को लगाना है यहाँ पर इस तरह करके, यहाँ पर, यहाँ। अब हमें लेना है बेड, उस बेड को लगा देना है यहाँ पर। अब लेने हैं फेंसेस, फेंस कहाँ पे थे, फेंसेस में थे शायद, फेंसेस, और फेंसेस लगाने हैं कुछ इस तरह यहाँ पर, ऐसे करके लगाने हैं दो टेम्परेरी ब्लॉक्स। और यहाँ पर हमें 16 स्नो गोलम स्पॉन करने हैं। यार कहाँ पे गया, ये सारे रख ही लेता हूँ यहाँ, 16, यानी कि 16 ही मैं हाथ में रख लूँ ये, तो फिर टोटली 16 गोलम स्पॉन होंगे। थर्टीन, फोर्टीन, ले भैंस की, बुरा लगा, सर मुंडाते ही ओले पड़े। इसे कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़ना। सो के तो पहले ये, यार बारिश अब कैसे खत्म होगी, बारिश खत्म नहीं होगी तो मैं स्नो गोलम स्पॉन नहीं कर सकता यहाँ, मेरी सारी मेहनत जाया गई, मेरे इतने सारे पंपकिन जाया हो गए हैं। यार अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, और रास्ता ही नहीं कोई हमारे पास यार, इस बारिश से मैं तंग हूँ। मैं पहले ना इनके ऊपर प्लेटफॉर्म बना देता हूँ यार, प्लेटफॉर्म रहेगा तो इनके ऊपर बारिश नहीं आएगी। आ रही है क्या, नहीं बारिश नहीं आ रही यार, लेकिन यार बहुत दुख हुआ यार, मेरे गोलम स्पॉन होने वाले थे। कभी कभी ना नेचर भी बड़ा धोखा देती है। अब मेरे पास यार, मैं 14 स्नो गोलम स्पॉन कर चुका था, मेरे 14 पंपकिन जो है चले गए हैं, यहाँ और लेने पड़ेंगे अब। चलो यार जो होना तो हो गया, शुरू से शुरू करते हैं यार। 1, 2, 3, 4, 5,
15, 16, ये 16 गोलम हमारे पास स्पॉन हो चुके हैं यार। अब जो ये है ना, इसके यहाँ पर छत करते हैं, यहाँ पर इनके एग्जैक्ट ऊपर ये वाले ब्लॉक हटा लेते हैं। टेम्परेरी ब्लॉक्स बड़े काम आएंगे मेरे। उसके बाद यार हाथ से ना इन्हें थोड़ा सा मारना है क्योंकि फैल नहीं रहे। कंट्रोल ले भैंस की, ये फैले हैं तो ऐसे फैले हैं यार। ये बारिश मुझे बहुत तंग कर रही है। पहले तुम मरी जाओ सारे, मैं शुरू से शुरू करूंगा काम। मरो मरो, मेरी सारी कैलकुलेशन खराब हो गई है। कभी कभी ना नेचर बहुत धोखा देती है इंसान को, लेकिन नेचर बहुत अच्छी चीज़ है यार, लेकिन गेम में नहीं। मैंने असल में प्लेटफॉर्म आधा बनाया था। क्राफ्टिंग टेबल है यार इसी पे, क्राफ्टिंग टेबल की ज़रूरत किसे है यार, जब मैं ऐसे ही बना सकता हूँ। यार मेरे पंपकिन ज़ाया हो रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे ज़रा प्लेटफॉर्म अच्छी तरह बनाना पड़ेगा इनका। आई थिंक के इतनी छत काफ़ी रहेगी। अब ना मरे नल्ले ये। फिर से मुझे अब स्नो गोलम, यहाँ 16 स्नो गोलम स्पॉन करने पड़ेंगे। पंद्रह, मेरे ख्याल से 16 हो चुके हैं यार, क्योंकि मेरे पास 32 पंपकिंस थे, 16 के और बचे, मैंने एक गलत गिन लिया है। ओके तो इन्हें अब यार ये पहले हटा लेते हैं। इन्हें खाली हाथ से एक दफ़ा स्मैश यानी कि मारना है तो ये फैल जाएंगे इस तरह। अब बारिश के रुकने का वेट करना है यार, बारिश को रुकने का वेट करते करते हम बाकी काम कर लेते हैं यार। इसी में तो काम का सामान था, इसमें नहीं, इसमें है। इसमें से मुझे ट्रैप डोर्स चाहिए और बटन्स चाहिए। बाकी इसका काम ख़त्म हो गया है, पंपकिंस का और स्नो का, तो इसे रख देते हैं और ये सारा कुछ तोड़ लेते हैं। और बटन्स लगाने हैं यहाँ पर ताकि यहाँ पर कोई मॉब स्पॉन ना हो। और ट्रैप डोर्स हमें लगाने हैं यहाँ पर। ओके तो ट्रैप डोर्स लगाने के बाद हमें सिंपली इनको खोल देना सारों को। ओके तो फिर हमें लेनी है स्टोन ब्रिक्स और इसके बिल्कुल सेंटर वाले ब्लॉक से यार। इसका सेंटर वाला ब्लॉक यही है आई थिंक। हाँ, एक ब्लॉक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। इधर से बिल्कुल हमें सेंटर वाले ब्लॉक से 11 ब्लॉक पीछे जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बस। यार मैं टॉर्चेस लगा ही दूं यहाँ पे। मॉब स्पॉन हो गया तो फिर तो कांड हो जाएगा। और उसी तरह 11 ब्लॉक समय सारों को लेके जाना है। ओके तो इसके बाद वाला काम थोड़ा सा मैथमेटिकल है यानी कि ज्योमेट्री वाला काम है। पहले मैं ना स्टोन ब्रिक्स हाथ में रख लूँ, उसके बाद हमें जाना है 1, 2, 3, 4। एक ब्लॉक यहाँ आएगा, 1, 2, 3, फिर एक ब्लॉक आएगा यहाँ, फिर 1, 2, फिर एक ब्लॉक यहाँ, फिर 1, फिर 1 आएगा, उसके बाद फिर 1 आएगा ये यहाँ पर। इसी तरह अब हमें उस साइड से इधर मिलाना है, यही स्कीम रखते हुए यानी कि।
एक दो तीन चार, एक ब्लॉक यहाँ, एक दो तीन, एक ब्लॉक यहाँ, एक दो, एक ब्लॉक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक, फिर यहाँ पर, और फिर ये एक। यानी कि हमने बिल्कुल सही बनाई है स्कीम ऐड, यानी कि स्कीम ये सही है बिल्कुल। इसी तरह का सर्कल हमें पूरा इसके चारों तरफ बना देना है, फटाफट बनाते हैं। ओके, तो इस तरह सर्कल बनाने के बाद सिंपली हमें इस मुकम्मल सर्कल को बीच में से फिल कर देना है। मैं ज़रा अपने ब्लॉक्स ले लूँ, इसको सारे को ना बीच में से फिल कर देना है इस तरह, फटाफट करते हैं। ओके, तो इसे इस तरह फिल करने के बाद हमें अपने स्लैब्स निकालने पड़ेंगे। स्लैब्स हैं हमारे इधर, यार इसमें हैं स्लैब्स हमारे, ये रहे। सिंपली हम स्लैब्स को इन नुकरों पे लगाना है पहले, चाहे तो वुड के स्लैब भी यूज़ कर सकते हैं, वुड के ज़्यादा अच्छे रहेंगे यार, क्योंकि मेरे पास अब जो अवेलेबल है मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। इधर फिर एक दो दो का गैप, फिर इधर फिर एक दो दो का गैप, एक दो का गैप, फिर इसी तरह एक दो, यार एक दो का गैप, एक दो का गैप, एक दो 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 गैप, एक, ओए होए ये मैं क्या ही कर रहा हूँ, एक दो गैप, दो ही है ना, हाँ एक दो गैप। अब फटाफट इन सारों का ना दो दो के गैप पे लगाते जाना है। ओके, तो दो दो के गैप पर ट्रैप डोर्स लगा, ये ट्रैप डोर्स कह रहा हूँ, स्लैब्स लगा दिए हैं। बस इसके कॉर्नर्स थोड़े से रह गए हैं, एक ये दो और एक और ये दो, इसी तरह एक और ये दो, एक और ये दो, वही लग जा, इस सारे कॉर्नर्स पे लगाना है, एक दो, एक और ये दो, एक और ये दो, एक और ये दो। ओके, तो फटाफट लगा दिया मैंने स्लैब। अब सिंपली थोड़े से और ब्लॉक्स उठाने हैं यहाँ से। ओके, तो अब टेम्परेरी ब्लॉक्स भी हाथ में रखने पड़ेंगे। टेम्परेरी ब्लॉक्स इसमें है क्या? टेम्परेरी ब्लॉक्स हैं इसमें। और अब हमें सिंपली इसको दो दो के हाइट पे लेके जाना है, एक दो। लेकिन यार एक मिनट, पहले एक एक के लगा लें। रे भैंस की यहाँ मॉब स्पॉन होने लगे यार, लेकिन गोलम्स अपना काम बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं। तो साले नीचे जा, मर। यहाँ टॉर्चेस पहले मैं लगा लूँ यार, पावर वन की बहुत ही इसके पास। ये तो शुगर है कि क्रीपर स्पॉन नहीं हुआ, इतना क्रीपी होता है ना क्रीपर कि घिन आती है। फटाफट अपना काम पूरा करते हैं, कहाँ पे थे, यहाँ पे थे हम। ओके, तो हमने मुकम्मल कर लिया। अब सिर्फ इसे सिंपली दो दो की हाइट पे लेके जाना है, यानी कि एक तो हो गया, एक की और हाइट पे लेके जाना है हमें सिर्फ। ब्लॉक्स का काम तो फिलहाल ख़त्म हो गया है, तो ब्लॉक्स रखते हैं उसकी जगह पर और लाते हैं। यार ये सब ना सारा कुछ जो मेरे पास फालतू है ना, मैं रख रहा हूँ। अब मुझे ट्रैप डोर चाहिए, ट्रैप डोर्स बहुत लग जाएंगे यार। ये जगह जो है ना खाली कर लेते हैं, ताकि मैं इजीली ना ट्रैप डोर्स सारे रख सकूँ। ओके, तो अब हमें सिंपली करना कुछ नहीं है, पूरे एरिया को ट्रैप डोर से भरना है, और ट्रैप डोर हमें इस हाइट पे लगाना है यहाँ पर, यानी कि जो दूसरा ब्लॉक है ना उसके ऊपर वाली साइड पर, और लगाने हैं हमें इधर तक, यानी कि जो ये एरिया है ना सारा, ये सारा खाली रखना है हमें सिर्फ। यानी कि अब मैं कैसे समझाऊँ, हाँ
तो जो ये एरिया है ना सिर्फ, यानी कि जो हमारा कलेक्टिंग एरिया में क्रीपर गिरेंगे उसको खाली रखना है। ये वाली लाइन आएगी यहाँ तक, ट्रैप डोर्स आएंगे और ये वाली लाइन यहाँ तक आ जाएगी और ये यहाँ तक आ जाएगी, ये यहाँ तक आ जाएगी, यानी कि जो ये वाली चार लाइनें हैं ना, 1 2 3 4 5 5 5, ये पांच पांच ब्लॉक्स खाली रखने और ये गोलम्स को खाली रखना है। बस फटाफट लगाते हैं इन्हें, इसमें बहुत टाइम जाने वाला इसलिए मैं स्किप कर दूंगा। ओके, तो ट्रैप डोर से ढकने के बाद सिंपली हमें करना कुछ ऐसे है कि नीचे जाना है, बल्कि इधर नहीं, पहले नीचे जाते हैं यार। यहाँ ना मॉब स्पॉन हुए खड़े हो, तो और चीज़ है मेरे पास, यहाँ लगा देते हैं। अब हमारे पास जो सोल कैंप फायर थी वो हमें लगानी है यार। यार मैंने रखी कहाँ ये। ओके, तो ये सोल कैंप फायर हमें लेनी है। और यार अब मैं वहाँ कैसे जाऊँ, एक चेस्ट तोड़ते हैं और सोल कैंप फायर को हमें इनके ऊपर सजा देना है क्रीपर्स के वेलकम के लिए, इस तरह। और अब हमें ये चेस्ट वापस दोबारा लगा देनी है, तो अब ये बेहतरीन वर्क करेगी। तो अब हमें वापस ऊपर जाना पड़ेगा, सिंपली हमें अब अंदर जाना है और जो डिफ़िकल्ट काम है वो यही है, अंदर जाकर ये सारी टॉर्चेस हटानी। पहले हाथ में पकड़ लूँ यार, मैं जैसे जैसे टॉर्चेस हटाता जाऊँगा पीछे से स्पॉन होते जाएंगे मॉब्स, और मैं एरो भी अपने हाथ में रख लूँ। यार ये नहीं है मेरा, ये वाला है। जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा और ऊपर से है भी रात, और मेक श्योर कर लेना ये करने से पहले कि आपने इन नुकरों पर स्लैब लगाए, वरना ये उसके पास भी चल के जा सकते हैं। गोलम्स के पास चलेगा तो फिर तो समझो धमाके हो जाएंगे। यार टॉर्च से उठा क्यों नहीं रहा ये। और अब ये देखना है कि कोई जगह खुली ना हो, और अब हमें जाना है ऊपर, और ऊपर से सोल कैंप फायर यूज़ करने का ये भी मकसद है कि उसकी लाइट कम होती है, रोशनी थोड़ी होती है। अब मुझे ये हाथ से हटाना है, और ये जो कवर किया था ना इसे एक ब्लॉक नीचे लाना है हमें। आजा यार, वो तो बारिश की वजह से ऊपर ले गया था, वरना इतनी ऊपर जरूरत नहीं थी। यार एक और ब्लॉक नीचे जाना पड़ेगा मुझे, इस तरह। मैं यार गोलम्स के पास जा रहा हूँ, मेक श्योर कर लेता हूँ कि चारों तरफ से ढके हुए हैं। बस ठीक है, अब मुझे जाना है ऊपर, इसको खोलते हैं और यार इसके ऊपर लगाते हैं। और मैं इसके ऊपर कैसे जाऊँ यार, यहाँ पर ब्लॉक लगाता हूँ, यहाँ चढ़ता हूँ, इसे ख़त्म करता हूँ और इसे बंद कर देता हूँ। अब हमें सिंपली ये ऊपर वाले सारे ब्लॉक्स ख़त्म कर देने हैं। ये यार बस अब बारिश ना हो, बारिश हो गई तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अब मैं जाना है इसके ऊपर, पहले अपने ट्रैप डोर्स वगैरह यहाँ, वो क्या कहते हैं, अपने शल्कर बॉक्स वगैरह यहाँ रख लें। इसमें से पिस्टन और लीवर लेना है हमें। भाई पिस्टन कहाँ है, ये रहा। ऊपर जाना है और एक फेंस लेना है यहाँ पर, और इस फेंस को लगाना है यहाँ सेंटर में। ओए फेंस गेट नहीं लगाना, यार इससे पहले के बारिशों में फटाफट ये सब कर लूँ यार जो करने का है। फेंस लेना है एक, उसे लगाना है सेंटर में, और इसे
यहाँ पर इस तरह लगाकर यहाँ पर लगाना है, और लगाना है एक ब्लॉक यहाँ, एक लगाना है ट्रैप डोर। नीचे आकर पिस्टन को नीचे फेस करते हुए लगाना है नीचे यहाँ, और एक लगाना है लीवर यहाँ, इसको पुश कर देना है और फिर ये सब तोड़ लेना है। ओके, तो जो हमारा स्लैब था वो मेरा ख्याल से नीचे जा चुका है, लेकिन उतना नीचे नहीं गया। ओके, हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया। इसको वापस ढक देते हैं, हमें अब ये लेने हैं और इनको इस सेंटर में यहाँ पर लगाना है। चल ले यार, यार ये नहीं लगने दे रहे। ये नहीं लगने वाला, पहले मुझे ये तोड़ना पड़ेगा। हाँ अब लगेगा, यानी कि धकेलना बाद में है नीचे। यहाँ पर आकर वही तरीका अपनाएंगे ऊपर जाने का। यार एक बारिश का नहीं पता ना कब हो जाएगी बारिश। इसको हटाना है, यहाँ पर रखना है ये, और ट्रैप डोर लगाना है यहाँ पर, नीचे जाना है, यहाँ पिस्टन लगाना है बाहर आकर, और यार बंदो, यहाँ लगाना है लीवर, इसको यहाँ पर इस तरह, इसको भी तोड़ लेना है, और अब ये सारा कुछ तोड़ लेना है हमें। अब लेने हैं स्टोन ब्रिक्स, फटाफट लेने हैं फटाफट स्टोन ब्रिक्स। यहाँ ये सेंटर में आएगी डर्ट, ताकि मुझे सेंटर ब्लॉक का पता रहे, और बाकी सारी चीज़ें हटा के इसके चारों तरफ मैं अब स्टोन ब्रिक्स यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो अब हमें जाना है इधर, ये डर्ट हटा देनी है। अब बिल्कुल सही पड़े हैं, अब हमें स्टोन ब्रिक्स का यूज़ करना है सिर्फ। ये शल्कर बॉक्स वगैरह रख लेने हैं, और ये जो जितने भी ट्रैप डोर्स हैं ना, इन सारों को स्टोन ब्रिक्स से कवर कर देना है। ओके, तो हमारा फाइनली जो क्रीपर फार्म था वो रेडी हो चुका है, एकदम एपिक लुक दूंगा इसे मैं बाद में। तो फिलहाल तो हमें सिर्फ यहाँ पर कुछ टॉर्चेस चाहिए जो हम यहाँ पर रोशनी कर सकें, दो दो प्लेस नहीं करनी। ऊपर की तरफ रोशनी होगी तो ऊपर क्रीपर स्पॉन नहीं होंगे। और मैं हर फार्म के लिए ओशन इसलिए चुनता हूँ कि ओशन में मॉब्स बहुत थोड़े स्पॉन होते हैं, सिर्फ पानी वाले स्पॉन होते हैं। अब क्रीपर पानी वाला तो है नहीं, तो जो इधर उधर स्पॉन होगा तो जाहिर है उसे जो लैंड मिलेगी और जिसके जिस लैंड के करीब या जिस चंक के करीब हमारा प्लेयर होगा या हम होंगे तो वहीं पे वो स्पॉन होगा। तो अब हम यहाँ पे ऊपर हमें 115 ब्लॉक्स ऊपर जाना है। यार अब पानी कहाँ से मिलेगा, पानी लेके आता हूँ मैं फटाफट। मैंने यहाँ पे वो लगाया था यार, ऊपर आने की जगह बनाई थी, कहाँ है, खाना खा यार, ये भूखा रहता है 24 घंटे। इस साइड पे नहीं है यार, वो रास्ता कहाँ गया जहाँ से मैं आया था। शवल कहाँ है मेरी, नीचे से कैल्प भी लेके आनी है मुझे। ले भैंस की, चलो पानी तो मिल गया। तो यहाँ पे चढ़ते हैं यार, फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं और अब यहाँ से ऊपर जाते हैं। वैसे यार सच कहूँ तो मुझे पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर बार ब्लॉक्स लगा के भी जा सकता हूँ। अब 115 ब्लॉक्स, पहले तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये 60 हो जाएंगे, अब 40 ब्लॉक्स ये हो गए 100, यानी कि 60 प्लस 40 होंगे 100,
अब 15 ब्लॉक्स और, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो यानी कि अब हमें ये और ये सारा कुछ ऊपर रखना है, इतने ब्लॉक्स ऊपर जाना है हमें सिर्फ, इतने ब्लॉक्स, और ये सारा कुछ अपना रख लेते हैं अपने पास। चलो फटाफट पहुंचते हैं। तो ये वाला जो हमारा स्पॉन पॉइंट होगा वो हमारे स्पॉन, यानी कि ये जो हमारा एएफके स्पॉट होगा वो हमारे स्लाइम वाले से थोड़ा सा ऊपर होगा। मेक श्योर कर लेना कि आपका वाई लेवल यानी कि ऊंचाई का लेवल 189 हो। अब हमें यहीं पर 189 पर अपना एक प्लेटफॉर्म बना लेना है। ओके, तो यहाँ मैं ज़रा एक घंटा एएफके खड़ा होता हूँ और मैं बाद में इसकी 3 से 4 लेयर्स भी बना दूंगा ऊपर, यानी कि टोटल मुझे 4 या 5 लेयर्स चाहिए। तो उसके लिए एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, जो हमने गोलम्स के आसपास बटन्स लगाए थे ना, गोलम्स के आसपास बटन्स थे हमारे, उन बटन्स के आगे जो बिल्कुल फ्रंट पर जो ट्रैप डोर्स थे उनके बिल्कुल साथ जुड़े हुए, उन ट्रैप डोर्स के ऊपर भी ट्रैप डोर्स लगा कर ना उन ट्रैप डोर्स को खोल देना है बस, और फिर आप चाहे जितनी मर्जी लेयर्स बना सकते हो, आपका वाई लेवल हमेशा 189 ही रहेगा। तो अब मैं ज़रा एक घंटा यानी कि एएफके खड़ा होता हूँ और उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ओके, तो फाइनली एक घंटा एएफके खड़े होने के बाद का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। ये सिर्फ मैं एक घंटा खड़ा हूँ, ज़्यादा से 1-2 मिनट ऊपर नीचे हुए होंगे, तो रिजल्ट तो ज़बरदस्त है। क्रीपर फटाफट आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ लूटिंग 3 से मारूंगा तो फिर मुझे इसके डबल मिलेंगे। हाँ, इसके डबल मिलेंगे, फिर मैं यहाँ पे खड़े होकर लूटिंग 3 से मारता रहूँगा ना इन्हें, फिर मुझे ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसकी जो लेयर्स हैं ना वो एक्सपेंड कर दूँ मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक लेयर बनाई है ना, इसके ऊपर 2-3 लेयर्स और बना देंगे तो फिर हम एक घंटा खड़े होंगे तो हमें डबल ट्रिपल मिलेगी चीज़, यानी कि गन पाउडर। तो आज की वीडियो में हमने गन पाउडर फार्म बनाया, यार शक्ल दिखा रहा है, शक्ल दिखा आपने। तो आज की वीडियो में हमने गन पाउडर फार्म बनाया, नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे पेपर फार्म यानी कि शुगर केन फार्म, जो हमें अनलिमिटेड शुगर केन देगा जिससे हम पेपर में कन्वर्ट करके और फिर अपने रॉकेट वगैरह बनाएंगे और फिर इलाइट्रा का भी यूज़ करेंगे। इलाइट्रा में भी हमने माइंडिंग वगैरह लगा ली है, तो वो सब करेंगे आने वाली वीडियोस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।